नमस्कार दोस्तों, यस वी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास ट्वेल्थ के पहले चैप्टर द लेसन में जो नेक्स्ट पैरा है उसको कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद आफ्टर मीन्स बाद में, द ग्रामर व्याकरण के, वी हैड ए लेसन, वी मतलब हम, हैड ए लेसन, एक पाठ किए इन राइटिंग लेखन में या लिखने का हम लिखने का एक पाठ किए या एक पाठ को लिखे। दैट डे, दैट मीन्स उस, डे मीन्स दिन, मिस्टर एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। दैट डे, उस दिन मिस्टर एम हैमल के, हैड मीन्स पास, न्यू मीन्स नई, कॉपीज मीन्स कापियाँ, फॉर मीन्स के लिए, अस मीन्स हमारे, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी। रिटन, लिखा गया था, इन ए ब्यूटीफुल सुंदर तरीके से, राउंड गोलाकार या वृत्ताकार हैंड हाथों से, जिस पर गोल आकार में हाथों से लिखा गया था। क्या लिखा गया था? फ्रांस अलसास, जैसे कोई चित्रकला बनाता है उसी तरह से बनाया गया था। वे लुक्ड, दिखाई दे रहे थे, लाइक मीन्स समान, लिटिल फ्लैग, छोटे झंडों, फ्लोटिंग, फहराते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के इस कक्षा में या इस कमरे में। वे जो नई कापियाँ मिस्टर एमल के पास थी हमारे लिए, उस पर फ्रांस अलसास लिखा गया था। वे झंडों की तरह दिखाई दे रही थी, जो कमरे में, स्कूल के इस कमरे में हर जगह लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? हंग फ्रॉम, लटकी हुई थी, द रॉड, छड़ी, एट द टॉप सिरे पर, ऑफ के, आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर लगी हुई राड से लटके हुए झंडे के समान दिखाई दे रही थी। अब पूरा देखते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वे छोटे झंडे के समान, तैरते हुए छोटे झंडे के समान, क्लासरूम में या स्कूल के कमरे में हर जगह दिखाई दे रही थी, जो हमारे डेस्क के ऊपर लगी छड़ पर टंगी हुई थी। यू ऑट जरा सोचो, टू हैव सीन, यू ऑट टू हैव सीन, मानो टू हैव सीन, यू ऑट टू हैव, काश आप सोचें, काश आप देखें, हाउ मीन्स कितना, एवरीवन हर व्यक्ति, सेट टू वर्क, कार्य में रत था, सेट मीन्स लगा हुआ था, टू वर्क काम में तल्लीन था, काम में लगा हुआ था, एंड हाउ मीन्स कितना, क्वाइट मीन्स शांत, इट वाज, यह था, और यह कितना शांत था। आप सभी देखते हैं
कि सभी अपने काम में लगे हुए थे, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज मीन्स थी। द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मीन्स होता है रगड़ना, रगड़ना। द ओनली साउंड, केवल आवाज थी, वाज द स्क्रैचिंग, रगड़ की, ऑफ द पेंस, कलमों की, ओवर मीन्स ऊपर, द पेपर, पन्नों पर। वहां पर केवल पन्नों के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। वंस, एक बार, सम, कुछ, बीटल्स फ्लू, बीटल्स मीन्स भौरे, फ्लू मीन्स उड़कर, इन अंदर। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, बट मीन्स लेकिन, किंतु, नोबडी कोई भी व्यक्ति, पेड़ दिया, एनी कोई, अटेंशन मीन्स ध्यान, टू देम उन पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, नॉट इवन, यहां तक कि, नॉट मीन्स नहीं, इवन माने तक, यहां तक कि, द लिटलेस्ट, द लिटलेस्ट वंस, लिटलेस्ट, लिटिल मीन्स होता है छोटा, लिटलेस्ट सबसे छोटा, वंस मीन्स बच्चा, एक बच्चा या कोई बच्चा, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी उस पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, जो काम कर रहा था, हु वर्कड, जो काम कर रहा था, जो काम कर रहा था, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो पूरे समय, जो पूरे समय मछली पकड़ने वाले कांटों को चित्र बना रहा था, कांटों का चित्र बना रहा था, यहां तक कि छोटा बच्चा जो कांटों का चित्र बना रहा था या बना रहे थे, वो भी ध्यान नहीं दिए। एज इफ, जैसे कि, एज इफ, जैसे कि, दैट मीन्स वह, वाज मीन्स था, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा, टू मीन्स भी, ऐसे जैसे कि वह भी फ्रांसीसी भाषा सीख रहे थे। छोटे बच्चों ने भी भौरों पर ध्यान नहीं दिया, जो कि मछली पकड़ने वाले कांटों का चित्र बनाने में लगे थे, और वो ऐसे लगे थे कि जैसे वह भी फ्रांसीसी भाषा हो, वह भी फ्रांसीसी भाषा को सीख रहे हों। ऑन द रूफ, ऑन मीन्स पर, द रूफ मीन्स छत पे, छत पर, द पिजन्स कबूतर, कूड बोल रहे थे, जैसे कुत्ता बार्क करता है, भौंकता है, ऐसे कबूतर, पिजन्स क्या करते हैं, कूड, गुटरगू करते हैं। वेरी लो, वेरी मीन्स बहुत, लो मीन्स धीरे से, तो छत पर कबूतर धीरे धीरे बोल रहे थे, धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड और, आई थॉट, मैं सोचा, टू माई सेल्फ, मन में ही, अपने में ही मैंने सोचा, या मन में मैंने सोचा, विल दे, क्या, विल दे मेक, क्या वो बना सकते हैं या कह सकते हैं, देम मीन्स उनको, सिंग, गाना, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, क्या वे, वो जर्मन जो प्रशिया के लोग थे, जो उन पर आक्रमण करके उनको गुलाम बनाए थे, उनको ये लेखक कह रहे हैं कि क्या वो जर्मन लोग इन कबूतरों को, इवन द पिजन्स, इन कबूतरों को भी, इवन द पिजन्स, इन कबूतरों को भी, क्या वे जर्मन लोग जर्मन भाषा में बोलने के लिए कह सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट एवर, व्हाट नेवर, व्हाट नेवर, जब कभी, आई लुक्ड,
मैं देखता लुकड अप, आई मीन्स मैं लुकड अप मीन्स देखता था। फ्रॉम माई राइटिंग, फ्रॉम मीन्स से माई राइटिंग, मेरे लिखते समय, जब कभी मैं मेरे लिखते समय मैं ऊपर देखता था, लिखते हुए मैं ऊपर देखता था। आई सॉ, मैंने देखा, एम हैमल, मिस्टर एम हैमल सिटिंग, बैठे हुए थे। मोशनलेस, मोशनलेस स्थिर, बिना गति के। इन हिज चेयर, इन हिज चेयर, इन हिज चेयर। जब कभी भी मैंने, लेखक कह रहे हैं कि जब कभी जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मिस्टर एमएल को शांत, स्थिर, मोशनलेस, बिना किसी गति के उनकी कुर्सी पर बैठे हुए देखा। एंड मीन्स और, गेजिंग मीन्स होता है घूरना, गेजिंग मीन्स होता है घूरना, और घूरते हुए क्या, कहाँ पर, फर्स्ट एट वन, एक चीज पर, फर्स्ट एट वन थिंग, फर्स्ट मीन्स पहले, एट वन थिंग एक वस्तु पर, देन मीन्स तब, एट एनदर दूसरी पर, मतलब कि मिस्टर एमल बिना गति के स्थिर होकर अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक के बाद दूसरी चीज को देख रहे थे। एज इफ, एज इफ मानो, ही वांटेड वो चाहते थे, टू फिक्स, फिक्स कर लेना, जमा लेना, इन हीज माइंड अपने दिमाग में, उनके दिमाग में, जस्ट अभी, हाउ एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग, जो चीज है लुक्ड दिखाई दे रही, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इन दैट, उस लिटिल, इन मीन्स में, दैट मीन्स उस, लिटिल मीन्स छोटे, स्कूल रूम, विद्यालय के कक्षा में। तो मिस्टर एमल ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी स्कूल के इस कमरे में वस्तुएं जैसे जैसे पड़ी हैं वैसे अपने दिमाग में समा लेना चाहते थे। फैंसी, फैंसी, जरा सोचो, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है फैंसी, सोचो, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल, ही हैड बीन देयर, ही मीन्स वह, हैड बीन वहाँ थे, देयर मीन्स वहाँ, हैड बीन देयर वहाँ थे, इन सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, एक समान जगह। जरा सोचो, 40 साल से ये वस्तु में उसी जगह पर थी, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बगीचे में बाहर, बगीचे में बाहर की ओर, बगीचे में, द विंडो, द विंडो, खिड़की के बाहर की तरफ, बगीचे में, एंड हिज, और उनके, क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनकी कक्षा के, कक्षा उनके सामने, और कक्षा उनके सामने। तो इसका भाव हो जाएगा, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से, ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस, ये वस्तुओं के लिए हो रहा है कि वे 40 साल से, 40 वर्ष से, जरा सोचो, 40 साल से ये वस्तुएं उसी स्थान पर थी, विथ हिज गार्डन, उनका बगीचा, खिड़की से बाहर उनका बगीचा, ही विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये उनकी कक्षा जो उनके सामने थी, पिछले 40 साल से वहीं थी, जस्ट लाइक, बिल्कुल ऐसे ही, दैट, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट मीन्स ठीक, लाइक मीन्स समान, दैट मीन्स जो इस समय है, जिस तरह से ये इस समय है ऐसे ये 40 साल से थी। आगे चलते हैं, ओनली केवल, द डेस्क, डेस्क एंड बेंचेस, और बेंच, हैड बीन वॉर्न,
हैड बीन ओवर्न ओनली केवल डेस्क और बेंच केवल डेस्क और बेंच ओवर्न ओवर्न मीन्स चिकनी हो गई थी स्मूथ चिकनी हो गई थी ओवर्न मीन्स घिस कर ओवर्न मीन्स घिस कर घिस कर केवल बेंच डेस्क और बेंच घिस कर मुलायम हो गई थी चिकनी हो गई थी द वॉलनट ट्रीज अखरोट वॉलनट मीन्स होता है अखरोट ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है खाने में इन द गार्डन बगीचे में अखरोट का अखरोट के पेड़ वर मीन्स थे टालर और बड़े हो गए हैंड मीन्स और द होप वाइन आशा की लता एक लता होती है बेल होती है जो किसी वृक्ष के सहारे या किसी के सहारे जो वृक्ष बढ़ते हैं कुछ किसी दूसरे के सहारे उसको लता कहा जाता है दीवार से हो गया या पेड़ के सहारे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उनके सहारे इधर उधर फैले रहते हैं तो कह रहे हैं एंड और द होप वाइन और होप वाइन नामक लता दैट मीन्स जो ही हैड प्लांटेड ही हैड ही मीन्स वह हैड प्लांटेड लगाए थे हिमसेल्फ स्वयं ट्विंड ट्विंड मीन्स होता है लिपटना अबाउट 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 मीन्स होता है बारे में या चारों ओर यहाँ पे होगा द विंडो खिड़की के टू द रूफ छत के टू द रूफ छत तक टू मीन्स तक हो यहाँ पे हो जाएगा द रूफ छत तक और होप वाइन नामक लता जो उन्होंने स्वयं लगाया था वह खिड़की से लिपट कर छत तक पहुँच गई थी होप वाइन नामक लता जो मिस्टर एम हैमल ने खुद लगाया था वह खिड़की से लिपटते हुए खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी अब आगे बढ़ते हैं हाउ इट मस्ट हैव हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हाउ मीन्स कितना ये अधिक के लिए यहाँ पे इस्तेमाल है कितना इट मस्ट हैव ब्रोकन इट मस्ट इट मीन्स यह हाउ मीन्स कितना इट मीन्स यह मस्ट हैव अवश्य ही मस्ट मीन्स अवश्य ही हैव ब्रोकन तोड़ दिया होगा हिज हर्ट उनके हृदय को उनके दिल को टू लीव इट आल टू लीव मीन्स छोड़ना इट मीन्स यह आल मीन्स सब कुछ या सभी यहाँ सब कुछ इस यह इन सब चीज़ों को छोड़ने छोड़ने वाली बात उनको तोड़ दी होगी उनके दिल को तोड़ दी होगी या इन सब चीज़ों को छोड़ छोड़ना उनके दिल को तोड़ रहा होगा तोड़ दिया होगा पुअर मैन बेचारा आदमी ये लेखक जो हैं उनके लिए मिस्टर एम हैमल के लिए प्रयोग कर रहे हैं बेचारा आदमी टू हीयर सुनना हिज अपने सिस्टर बहन मूविंग चलते हुए अबाउट इन द रूम कमरे में इधर उधर कमरे मर कमरे में एबो 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 मीन्स अंदर यहाँ पे होगा तो देखते हैं टू हीयर फिर से देखते हैं टू हीयर सुनना हिज अपने उनके सिस्टर मिस बहन मूविंग चलते हुए अबाउट इन द रूम अबाव इस रूम में इधर से या रूम में इधर से उधर देयर ट्रंक्स पैकिंग मीन्स आप नॉर्मल ये बोलचाल में भाषा हो गया है पैकिंग मीन्स समेटना
इसी चीज़ को व्यवस्थित रखना। देयर ट्रंक्स, अपने उनके ट्रंक्स में संदूक। अपने बहन को, ये मिस्टर हैमल के बहन की बात हो रही है कि उनकी बहन जो संदूकों में पैकिंग करते हुए इधर उधर चल रही थी कमरे में, उनकी आवाज़ सुनकर मिस्टर एम हैमल का दिल टूट रहा होगा। फॉर मीन्स के लिए, दे मस्ट, वे अवश्य ही, लीव मीन्स छोड़ देंगे, द कंट्री देश, नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट मीन्स अगला, दे मीन्स दे दिन, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर वो चले जाएंगे, वे उनको जाना होगा इस यहाँ से हाउस लेकर के नेक्स्ट डे तक। फिर से हम आपको अर्थ बताते हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब कुछ छोड़कर जाना उनके दिल को तोड़ रहा होगा, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवो पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी बहन जो संदूकों में उनके सामान की पैकिंग कर रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर बेचारे हमारे अध्यापक का दिल टूट रहा होगा। फॉर दे, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ करके जाना था। आगे चलते हैं, बट किंतु ही हैड, उनके पास था द करेज, साहस, टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन मीन्स अभ्यास, अध्याय, टू द वेरी लास्ट, बहुत अंत तक, बिल्कुल अंत तक, वेरी लास्ट मीन्स मतलब वेरी मीन्स बहुत होता है, लास्ट मीन्स अंत तक, तो बहुत अंत तक, ये भाव हमारी हिंदी भाषा में नहीं रहेगा, तो मतलब यहाँ पे होता ना बिल्कुल अंत तक। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर हर अध्याय को, हर पाठ को एकदम अंत तक सुनने का साहस था, हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, द राइटिंग लिखने के, यानी जो ये लोग कुछ जो पाठ लिखे थे उस पाठ को लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, वी मीन्स हमें हैड ए लेसन, एक अभ्यास, एक पाठ इन हिस्ट्री, हमारे लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, एक इतिहास का पाठ हम लोग पढ़े, एक इतिहास का पाठ हुआ, या हम लोग हुआ का मतलब पढ़े, तो लिखने के बाद हम इतिहास का एक लेसन हुआ, एक अभ्यास हुआ। एंड देन, और तब, द बेबीज, बच्चे चैंटेड मीन्स होता है किसी चीज़ को बार बार कहना, जैसे मंत्र या कोई चीज़ हो जिसको जोर जोर से दोहराया जाए। एंड देन, और तब, द बेबी चैंटेड, बच्चे जोर जोर से बोले, क्या बोले, देयर, अपने, बा बे बी बो बू, तो इसके बाद छोटे बच्चों ने जोर जोर से बा बे बी बू बो बू ये सब बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर मतलब वहाँ पर बैठे हुए, एट द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे के, होल्ड हाउजर, वृद्ध हाउजर, हैड पुट, पहने, रखे, ऑन हिज स्पेक्टकल्स, अपने चश्मे को, एंड और, होल्डिंग, पकड़े हुए, हिज मीन्स अपने, प्राइमर मीन्स
जो पोथी लाए थे, बाल पोथी कह सकते हैं या किताब पुस्तक कह सकते हैं, इन में बोथ दोनों हैंड्स में हाथों में, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम कमरे में पीछे की तरफ बैठे हुए ओल्ड हाउजर वृद्ध हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स अपने चश्मे को पहने और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों में जो पुस्तक लाए थे दोनों हाथों में पुस्तक लेकर स्पेल्ड उच्चारण किए, स्पेल्ड मीन्स उच्चारण, स्पेलिंग जो होता है, जो स्पेलिंग होती है स्पेलिंग, तो उसका भी अर्थ होता है उच्चारण, तो यही है उसका फॉर्म। दूसरा फॉर्म है स्पेल्ड उच्चारण किए द लेटर्स अक्षरों का विद्यम उनके साथ बच्चों के साथ, जो ओल्ड हाउजर बैठे हुए थे पीछे कमरे में पीछे की तरफ उन्होंने अपना चश्मा धारण किया, चश्मा पहने और अपने दोनों हाथों में पुस्तक लेकर उन छोटे बच्चों के साथ अक्षर को दोहराए। यू कुड आप देख सकते, यू कुड सी आप देख सकते थे, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, टू भी वाज क्राइंग रो रहा था, इन हिज वॉइस उनकी अपनी आवाज में ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपना, विथ इमोशंस भावना में या भावनावश, आप देख सकते थे कि वह भावुकतावश उसकी आवाज ट्रेम्बल्ड वॉइस, ट्रेम्बल्ड मीन्स लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी, भावुकतावश उसकी आवाज कांप रही थी, वॉज क्राइंग और वह रो भी रहा था, हैंड मीन्स और, इट मीन्स या वॉज मीन्स था, सो फनी इतना विचित्र इतना आश्चर्यजनक, टू हियर सुनना, ही मीन्स उसे, दैट की, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, वांटेड चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड मीन्स और, क्राई मीन्स रोना, यह सब सुनने में इतना ज़्यादा मजाकिया लग रहा था कि हम हंसना और रोना दोनों चाहते थे। आह, अब लेखक कह रहे हैं आगे, आह ओह अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, हाउ मीन्स कितना, वेल मीन्स ठीक तरह से, आई रिमेम्बर, आई मीन्स मैं, रिमेम्बर मीन्स याद है, इट मीन्स यह, दैट लास्ट लेसन, अरे ओह मुझे वह अंतिम अध्याय कितनी अच्छी तरह याद है, मुझे वह अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। आगे चलते हैं, ऑल एट वंस ऑल में सभी, एट वंस अचानक, ऑल में जो सब कुछ हो रहा था इस सब के होने के दौरान ही, एट वंस अचानक, द चर्च क्लॉक गिरजाघर की घंटी, जो ईसाइयों का जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है पूजा स्थल, मुसलमानों का पूजा स्थल मस्जिद होती है, उसी तरह से ईसाई धर्म के मानने वालों का जो पूजा स्थल होता है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं उसका चर्च होता है, तो चर्चों के ऊपर घड़ी लगी रहती थी पहले के समय में, इससे सबको सूचना मिल जाती थी कि हाँ कितना समय हुआ है। तो यही ये कह रहे हैं, ऑल एट वंस इस सभी के दौरान, एट वंस अचानक, तभी अचानक, द चर्च क्लॉक गिरजाघर की घंटी, चर्च की घंटी स्ट्रक 12, स्ट्रक मीन्स बजाई, 12 मीन्स 12, तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 हो जाए, देन मीन्स तब, द एंजलस तब, एंजलस ये प्रार्थना होता है, जैसे सुबह की प्रार्थना होती है, दोपहर की प्रार्थना होती है, ऐसे द एंजलस तब, एंजलस नाम की प्रार्थना, एट द सेम मोमेंट, समान मोमेंट, क्षण समय, द ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही ऑफ द प्रसियंस,
उन प्रसियन लोगों की। उसी क्षण उसी समय प्रसियन लोगों की तुरही बजाने वाला यंत्र होता है। रिटर्निंग लौटते हुए, फ्रॉम मीन्स से ड्रिल मीन्स युद्धाभ्यास। उसी समय युद्धाभ्यास से लौटते हुए प्रसियन लोगों की तुरही बजी। साउंडेड अंडर आवाज की, अंडर मीन्स होकर नीचे से, आवर विंडोज हमारी खिड़की से, होकर युद्धाभ्यास से लौट रहे प्रसियन लोगों की तुरही की आवाज सुनाई दी। आगे है मिस्टर एम हेमल स्टूड अप। मिस्टर एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पैल, बहुत ज़्यादा पैल मीन्स उदास, जैसे कोई चिंता में हो जाता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, पीला हो जाता है, तो उसी तरह से बहुत दुखी होकर मुरझाए चेहरे के साथ। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी से बहुत उदास होकर मुरझाए चेहरे के साथ एम हेमल कुर्सी से खड़े हुए। मैं नेवर मिस कभी नहीं, सॉ मीन्स देखा, ही मीन्स उन्हें, लुक सो टाल, दिख लुक मीन्स दिखाई देना, सो टाल इतना लंबा यहाँ नहीं होगा, टाल मीन्स यहाँ होगा हिम्मती, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ठीक है, यहाँ पे होगा। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि उनकी लंबाई बढ़ गई, ये तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे दूसरा शब्द लाते हैं, इसका दूसरा भाव समानार्थी क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास या आत्मसम्मान। मैंने उन्हें इतने आत्मविश्वास में पहले कभी नहीं देखा था। आगे वो कह रहे हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स आई, ये दो बार आई, मतलब बोलना चाह रहे थे कि मैं बट किंतु समथिंग कुछ, चोक्ड मीन्स होता है स्टॉप, लेकिन उसे किसी चीज ने रोक लिया। ही कुड नॉट गो, ही मीन्स वह कुड नॉट गो ऑन, कुड मीन्स सके, नॉट मीन्स नहीं, गो ऑन मीन्स जारी रहना, वह जारी नहीं रख सके, वो अपनी बात नहीं कर सके, रुक गए। देन मीन्स तब, ही टर्न्ड, वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की तरफ, तब वह श्यामपट की तरफ मुड़े, टुक लिए, ए पीस एक टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, चाक मीन्स चाक, वह एक चाक का टुकड़ा लेकर श्यामपट की तरफ मुड़े। एंड मीन्स और, बियरिंग सहना, बियर मीन्स सहना होता है, वह सहते हुए या सामना करते हुए, अपनी शक्ति के साथ, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ, श्यामपट की तरफ मुड़े। अगले है, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, एज मीन जैसा, लार्ज मीन्स बड़ा, एज ही कुड जितना की, जैसा कि, ही कुड वह कर सकते थे, वह लिख सकते थे, ही रोट वह लिखे, एज लार्ज इतना बड़ा, एज इतना बड़ा, अब आगे है, जैसे ये एज लार्ज एज, ऐसे शब्द आपको बार बार आते रहेंगे, तो मैं ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको। ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज जितना बड़ा हो सकता था, एज ही कुड वह लिख सकते थे, उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना वो बड़ा लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदाबाद,
ये फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। आगे है देन, तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड मीन्स और, लीन्ड, लीन्ड मीन्स झुकाना, सहारा देना, हिज अपने, हेड मीन्स सिर को, अगेंस्ट सामने, द वॉल दीवार के, वह दीवार के, अगेंस्ट मीन्स सहारे, लीन्ड मीन्स टिका लिए, झुका लिए, अपने सिर को, देन मीन्स तब, ही स्टॉप्ड, उन्होंने रोक लिया, एंड लीन्ड झुका लिया, हिज हेड अपने सिर को, अगेंस्ट सहारे, द वॉल दीवार के, उन्होंने तब अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया, एंड और विदाउट ए वर्ड, विदाउट मीन्स बिना ए वर्ड, एक शब्द, और बिना एक शब्द के, ही मेड, उन्होंने, ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है क्या, इशारा, ठीक है, इशारा, गेस्चर मीन्स इशारा, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, इशारा बनाया, बनाया तो नहीं जमेगा सही, तो इसलिए ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमें, विथ, द्वारा, हिज हैंड, अपने हाथों से, उन्होंने हाथ से, अपन, विथ हिज हैंड, ये एक वचन है, उन्होंने हाथ से, अपने हाथ से इशारा किया, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें इशारा किया, कैसे इशारा किया, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो, आप जा सकते हैं, यू मीन्स आप, मे, ये रहता है विनम्रता के लिए, आदेशात्मक वाक्य है, गो जाना, आप जा सकते हैं, यू मे गो। तो ये था द लास्ट लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन कह सकते हैं, या हमने आपको पढ़ाया कर सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें जो इसका समरी ऑफ द लेसन होगा इसका हम आपको बताएंगे, और इसमें जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।